जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असनाद खान पख्तूनख्वा चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की जो फिल्म आ रही है हेरा फेरी 3, जिसका आगाज़ शूटिंग का हो गया है और हम लोगों से पूछेंगे कि उनके इस बारे में क्या तासुरात हैं और क्या वो इस बारे में कहना चाहते हैं। हेरा फेरी 3 की शूटिंग का आगाज़ हो गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके कैसी तासुरात? नहीं, पहले जैसी नहीं होगी। क्या वजह? क्योंकि मूवी जो भी है वो एक दफ़े अच्छी बनती है, दोबारा उसके रीमेक बनाते जाएंगे वो बाद नहीं रह जाती उसकी। फिर से हेरा फेरी वो भी वैसे कामयाब हुई जैसे पहली हुई थी, तो दोनों में वही इंटरटेनमेंट हुई थी, तो क्या तीसरे में आपको नहीं यकीन कि वो अच्छी होगी? नहीं होगी। क्या वजह है, आपको क्यों लग रहा है सर? नहीं होगी ना, जो एक दफ़ा हो जाती है वो दोबारा नहीं चीज़ बनती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप बताएं कि आप बॉलीवुड की मूवी देखते होंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3 भी, हेरा फेरी देखी होगी आप? हाँ जी, हेरा फेरी। हाँ जी। अब बताएं हेरा फेरी 3 की शूटिंग का आगाज़ हो गया, आपके क्या तासुरात है उसके बारे में? क्या वो वैसी होगी जो पहले आई हैं उनकी तरह, या फिर वो कुछ बोर होगी? वैल अच्छी होगी, और अच्छी होंगी, वैसे अच्छी होती है फिल्में, सारी अच्छी होती है। और हेरा फेरी जो 3 है, आपको यकीन है कि वो वैसी होगी जो पहले आई थी उन जैसी? जी अच्छी होगी, लेकिन इसमें जो डायरेक्टर हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो क्या आपको यकीन है कि ये भी डायरेक्टर वैसा काम कर पाएंगे जो पहले कर रहे थे? आप कौन सी फिल्म आ रही है? हेरा फेरी 3 आ रही है, इसकी शूटिंग का आगाज़ हो गया। अच्छी होगी, वो भी अच्छी होगी, सब पहले भी सारी अच्छी होती है, जितनी भी फिल्में होती हैं अच्छी होती हैं। जी बहुत शुक्रिया। मूवी आ रही हेरा फेरी 3, आप अब उसके बारे में आपके क्या तासुरात? किस चीज़ किसकी है मूवी? अक्षय कुमार की। अब अगर आएगी तो ज़रूर देखेंगे। अब तक आ रही है वो, अब शूटिंग का आगाज़ हो गया तो वो अब जल्द आएगी, तो हमारा बस इंटरव्यू इसलिए है आज का कि आप उस बारे में क्या तासुरात अगर हम देखिए। नहीं देखेंगे, ज़रूर देखेंगे।